पिछले दिनों उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदा आने से बहुत सी जाने गई, भारी तबाही हुई है, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लगभग 2000 करोड़ के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। सभी मृतकों की आत्मा को शांति मिले, ईश्वर उन्हें सदगति प्रदान करे। प्राकृतिक आपदाएं पूरी तरह से नैसर्गिक होती हैं और कभी भी आ सकती हैं, उनका कोई समय नहीं होता। इनके आने से संपत्ति, जनजीवन सभी कुछ बिगड़ जाता है, सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से बहुत से जीवों को बहुत खतरा होता है। ये कुछ ऐसे खतरे होते हैं जिन्हें रोक पाना किसी के भी बस में नहीं होता। 3-4 वीडियो मैंने अपलोड किए थे मुंडेन एस्ट्रोलॉजी के, जिनमें क्लियरली ये कहा था कि उत्तर दिशा की तरफ से वाटर से रिलेटेड प्राकृतिक आपदा आने की संभावना है। यह भी कहा था कि कुछ वन्य जीवों के लिए भी खतरे का संकेत है। उन सभी वीडियोज़ के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप उन्हें सुन सकते हैं। दोस्तों, कई बार इस तरीके की प्रेडिक्शन जब सत्य होती है तो हमें भी बहुत खुशी नहीं होती, जिसमें जनजीवन, वन्य जीव, संपत्ति आदि का नुकसान होता है। लेकिन हम भी वही प्रिडिक्ट करते हैं जो ग्रह गोचरीय स्थिति करवाना चाहती है। इस समय वैसे भी गोचरीय स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, कभी भी कहीं भी कुछ भी संभव है। उत्तराखंड की इस घटना के बाद ये कहा जा सकता है कि ये नए युग की शुरुआत है। पिक्चर तो अभी बाकी है, बहुत कुछ देखना बाकी है, खतरा अभी टला नहीं है। फरवरी मार्च का जो मंथ है वो बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है। उत्तराखंड की आपदा के दिन की बात करें तो उस दिन चंद्रमा नीच का था और अस्त ग्रहों का बहुत बड़ा रोल था, जिसमें बुध, गुरु और शनि प्रमुख देखे जा सकते हैं। उस दिन चंद्रमा ज्येष्ठा नक्षत्र का था और उसका स्वामी यानी लॉर्ड मरकरी वक्री था और अस्त भी था। मंगल भी अपनी मेष राशि में है, जो अष्टम आस्पेक्ट से चंद्रमा और केतु को वृश्चिक राशि में देख रहा था। चंद्रमा वाटरी प्लैनेट है और दूसरी जलीय राशि में राहु केतु के एक्सिस में था। इस तरह चंद्रमा का अशुभ होने से प्राकृतिक आपदा को देखा जा सकता है। और भी बहुत से ज्योतिष के पैरामीटर हैं जिनसे ये सब कुछ देखा जा सकता है। ऐसे में अभी कुछ एरियाज ऐसे भी हैं जहां अभी इसी तरीके की प्राकृतिक आपदा आने की संभावना बनी हुई है। कुछ ज़्यादा भी हो सकती हैं, कुछ कम भी हो सकती हैं। ऐसे में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार को अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि पानी से तबाही या प्राकृतिक आपदा का खतरा उत्तर प्रदेश में ज़्यादा बना हुआ है। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी में पानी बढ़ने की आशंका हो सकती है। जहाँ जहाँ पानी है, नदी है, वहाँ पर खतरे की संभावना ज़्यादा है। पिछली कई वीडियोस में मैंने इस समय सर्दी ज़्यादा होने के लिए भी कहा था, कहीं कहीं बर्फ भी ज़्यादा होगी ये भी कहा था। ऐसे में ठंड में ग्लेशियर फटना सामान्य बात नहीं हो सकती, ये किसी बड़े खतरे की तरफ संकेत करती है। उत्तर प्रदेश के बारे में अगर हम ज्योतिष के दृष्टिकोण से देखें तो धनु लग्न की कुंडली है उत्तर प्रदेश की। सेकेंड हाउस में जुपिटर है मकर राशि में। फोर्थ हाउस में सूर्य, शनि और बुध हैं। फिफ्थ हाउस में वीनस है। सिक्स्थ हाउस में केतु है। ट्वेल्थ हाउस में राहु, चंद्रमा और मंगल हैं। अभी गोचर में देवगुरु बृहस्पति अपनी नीच राशि मकर में कम्बष्ट हैं, स्वय राशि कम्बष्ट शनि के साथ। और अभी 6-7 ग्रहों का मकर राशि में प्लैनेटरी वॉर भी होने वाला है। मौसम में जितने भी परिवर्तन होते हैं वो सभी देवगुरु बृहस्पति की वजह से होते हैं। इस समय गुरु की जो कंडीशन है गोचर में, वो हम समझ सकते हैं, हम लोग देख सकते हैं, और उसी के चलते मौसम के हाल क्या है वह भी हमें मालूम है। जुपिटर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, मरकरी नॉर्थ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, चंद्रमा नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। जब जब जुपिटर पेरिहेलियन में होता है तो अक्सर सूखा रहता है, और जब एपिलियन में होता है तो मौसम में ज़्यादा ठंड देखी जा सकती है, और ये ठंड सामान्य से अधिक भी हो सकती है। किसी भी ग्रह की कक्षा में सूर्य के सबसे निकटतम बिंदु को पेरिहेलियन कहा जाता है, सबसे दूर वाले बिंदु को एपिलियन कहा जाता है।
पेरिलियन में ग्रह जो है वो सबसे तेज चलता है और एपिलियन में ग्रह धीमा चलता है। इसलिए ग्रह जब मकर राशि में होता है तो सदर्न हेमिस्फीयर में मौसम जो है वो ज़्यादा प्रभावित होता है। अभी मकर राशि में ज़्यादा ग्रहों की युति बनने वाली है और गोचर में क्या स्थिति ग्रहों की होगी वो आप देख सकते हैं। जुपिटर और सूर्य आपस में किस पोजीशन पे बैठे हैं वह भी हम लोग देख सकते हैं, और जो भी हो रहा है मौसम में जो परिवर्तन हो रहा है या जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, चाहे पानी से रिलेटेड हो या फिर फायर से रिलेटेड हो या कुछ भी हो, वो सब कुछ हम इसी के ज़रिए देख सकते हैं। मकर राशि को गेट ऑफ गॉड के नाम से भी जाना जाता है और मकर राशि की आकृति एक गॉड की तरह है, एक एनिमल की शेप की तरह है। इतने ग्रहों का मकर राशि में इकट्ठा होना और प्लूटो का साथ होना असंख्यक लोगों की मृत्यु का कारण भी बन सकता है, जिसकी चर्चा मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी की थी। इसलिए ये समय नॉर्थ में पड़ने वाले जितने भी एरियाज हैं उनके लिए सुरक्षित नहीं है, चाहे वो एरिया नॉर्थ वेस्ट में हो या नॉर्थ ईस्ट में हो। ये वहाँ के लिए ज़्यादा दिक्कत है जहाँ पर पानी ज़्यादा है, चाहे वो नदी का पानी हो, चाहे वो तालाब का पानी हो या पहाड़ों पर जमने वाली बर्फ हो। ये समय वहाँ रहने वाले लोगों के लिए और वहाँ के वन्य जीवों के लिए परेशानियाँ और प्राकृतिक आपदाओं का समय है, और भारत भी नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में लोकेटेड है, इसलिए नॉर्दर्न में पड़ने वाले जितने भी एरियाज हैं उनमें परेशानी ज़्यादा बनी हुई है। फरवरी में बुध भी वक्री रहने वाला है, मंगल भी मेष राशि से शिफ्ट होकर के वृषभ राशि में चला जाएगा, और फरवरी के अंत में देवगुरु बृहस्पति और राहु एक दूसरे को प्रभावित करेंगे, जो हमारे भौतिक जीवन को, मेटेरियल लाइफ को प्रभावित करेंगे। मंगल और केतु 9 और 10 फरवरी को एक ही डिग्री पर यानी कि 23 डिग्री पर रहेंगे, इसलिए ये जो समय होगा वह दुर्घटनाओं का समय है, इम्पल्सिव भी हो सकता है। मकर राशि अर्थी एलिमेंट है, स्टेबिलिटी की राशि है, साथ ही ये नेचर से और एनवायरनमेंट से कनेक्टेड होती है, इसलिए किसी भी परिवर्तन में इसका महत्वपूर्ण रोल होता है। जुपिटर और सैटर्न के साथ साथ सूर्य भी अभी यहाँ पर मकर राशि में है, तो सरकार को इस समय बहुत से निर्णायक फैसले लेने होंगे। 20 फरवरी 2021 से 27 फरवरी 2021 का जो समय है वो बहुत ही ज़्यादा संभलने का होगा। किसी भी तरीके की दुर्घटना के घटने की संभावना है नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में या फिर नॉर्थ वेस्ट में। बृहस्पति और शनि तो अपने कंबस्ट पॉइंट से बाहर निकल जाएंगे, जो एक पॉजिटिव सिंबल भी हो सकता है, लेकिन इस समय शुक्र जो भारत की कुंडली का लग्नेश है और राहु का नेटल राहु पर वृषभ राशि में गोचर होने से, और शुक्र का जो लग्नेश है उसका लंबे समय तक अस्त होने की स्थिति में, ये समय इंडिया की आंतरिक स्थिति के लिए ठीक नहीं है, ये समय इंडिया के लिए अच्छा नहीं होगा। 12 फरवरी 2021 को 7 ग्रह मकर राशि में इकट्ठा होने वाले हैं, सूर्य, चंद्रमा, शनि, गुरु, बुध, शुक्र और प्लूटो। इनमें से वीनस और मून दोनों वाटरी प्लैनेट हैं और वाटरी नक्षत्र श्रवण में हैं, जो हिमालय रीजन में भारी बर्फ को भी दिखा रहे हैं। भारत का नॉर्थ और सेंट्रल जो एरिया है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा कोल्ड को दिखा रहा है। उत्तर प्रदेश की कुंडली की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश की कुंडली में लग्न खाली है, लेकिन लग्न पर शनि का एस्पेक्ट है 4th हाउस से। जनता के हित के लिए लंबे समय तक कोई कदम नहीं उठाए गए थे। लग्न जो है वो केतु के नक्षत्र का है और केतु 6th हाउस में बहुत अच्छा नहीं है। उत्तर प्रदेश अपने क्राइम के लिए जाना जाता रहा है, लेकिन शनि का एस्पेक्ट होने से स्टेबिलिटी को भी शो करता है किसी अच्छे काम के लिए, जो वर्तमान में योगी सरकार के द्वारा दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर प्राकृतिक आपदा की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के लिए आने वाला समय बड़ी चुनौती लेकर आ सकता है। लग्नेश जुपिटर का अर्थी साइन में नेटल पोजीशन में होना, बुध और चंद्रमा का वाटरी साइन में होना और वक्री होकर शुक्र का वाटरी साइन की तरफ मूव करना प्लेंटीफुल रेन की तरफ इशारा करता है। लग्न और लग्नेश नेटल जुपिटर नेटल और ट्रांसिट में एफ्लिक्टेड हो रहे हैं,
राहु केतु का जो गोचर है वो भी उत्तर प्रदेश के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। ऐसे में मंगल का 12th भाव में चंद्रमा और राहु के साथ होने से बर्फ को भी शो करता है। दशा भी इस समय राहु की है और बुध का अंतर चल रहा है। राहु और बुध दोनों ही बुध के नक्षत्र में हैं। उत्तर प्रदेश के अगर हम वेदर की बात करें तो अंतरदशा लॉर्ड बुध जो मौसम में ठंड से ज़्यादा ठंड की तरफ इशारा करता है और कई बार ड्राइनेस की तरफ भी इशारा करता है। बुध हवा के मूवमेंट को कंट्रोल करता है। हवा का जो रुख होता है उसे मरकरी के अंडर ही देखा जा सकता है। जब भी मरकरी सैटर्न यूरेनस प्लूटो या फिर नेपच्यून के साथ होता है तो हवा में या फिर पर्यावरण में ज़्यादा एक्टिव तरीके से काम करता है अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। बुध फरवरी में अभी वक्री रहने वाला है जो मकर राशि में शनि के साथ होगा। ये समय नॉर्थ एरिया में या फिर उत्तर प्रदेश में विंड की जो स्ट्रेंथ है वो बारिश से ज़्यादा होगी। ठंडी हवाएं चलेंगी जो बारिश की तुलना में ज़्यादा होगी। बर्फीली हवाएं चलेंगी। ये हवाएं इतनी तेज़ हो सकती हैं कि सरकार को ब्रिज के कामों पर कंस्ट्रक्शन कराने की ज़रूरत पड़ सकती है। नदी या पानी के आसपास कंस्ट्रक्शन के कामों में तेज़ी हो सकती है, चाहे वो सुरक्षा की दृष्टि से ही क्यों ना हो। फरवरी में उत्तर प्रदेश में बारिश और आंधी की भी संभावना है, थंडर स्ट्रॉम की भी संभावना है। और ये केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं है बल्कि पूरे नॉर्थ के रीजन में हो सकती है। हिमालय रीजन में भी हैवी स्नोफॉल या फिर बर्फीली हवाएँ चलेंगी। इन सबको देखते हुए 9 फरवरी से लेकर 26 फरवरी तक यूपी सरकार को सतर्क रहने की ज़रूरत है। जितना संभव हो पानी वाले स्थान पर सुरक्षा के सभी प्रबंध करने का प्रयास करें। इन परिस्थितियों को देखते हुए आप सभी अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग ज्योतिष के नए विषय के साथ। बी ब्लेस एंड बी सेफ। जय हिंद, जय भारत।